हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूटेरिया पे। मैं प्रवीण कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में, जो है आधुनिक भारत से मराठा। एक्चुअली दोस्तों, मैंने पिछले वीडियोस में चर्चा किया था कि जब हमारे यहाँ ब्रिटिश कंपनियाँ और खास करके यूरोपियन विभिन्न कंपनियाँ जब एस्टेब्लिश होने आते हैं, तो उस कंडीशन में भारत के कई क्षेत्रों में अलग अलग क्षेत्रीय साम्राज्य उभर चुके थे, जिसमें हम लोगों ने सिखों के संबंध में, मैसूर के संबंध में, बंगाल के संबंध में विशेष रूप से देखा था। उसके वीडियोज़ आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे और वैसे भी मैं उसके लिंक्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आज हम लोग पढ़ेंगे कि उसी परिस्थितियों में जब मुगल सत्ता कमज़ोर हो रही थी और मराठा का उद्भव हो रहा था, वही दौर था जब मुगलों में स्पेशली औरंगजेब का शासन चल रहा था और दूसरी ओर दक्षिण भारत में मराठा साम्राज्य का उद्भव हो रहा था। और इसी परिस्थितियों के बीच एक तरफ जो यूरोपियन कंपनियां थी वो संघर्ष कर रही थी अपने अस्तित्व के लिए, तो ये पूरा का पूरा दौर था एक संघर्ष का। उसी संघर्ष के दौर में शिवाजी ने कैसे एक मराठा साम्राज्य की नींव रखी और इस मराठा साम्राज्य को एक विस्तृत पहचान दी, उसी पर आधारित है ये हमारा मराठा साम्राज्य का पहला पार्ट। इस पार्ट में स्पेशली हम लोग शिवाजी और शिवाजी से जुड़े हुए पॉइंट्स को पढ़ेंगे और दूसरे पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे पेशवा के संबंध में तथा शिवाजी के वंशजों के संबंध में। और जहां तक ये ब्रेक का बात है कि एक सप्ताह से वीडियोस नहीं आ रहे थे, थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, अभी मैं ठीक हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आप लोगों को वीडियोज अधिक से अधिक वीडियोज दे सकूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मराठा साम्राज्य। सबसे पहले मराठा साम्राज्य क्या था, तो आपको एक थोड़ा सा मैप पे, एक छोटे से मैप पे मैं दिखाना चाहूँगा कि दिल्ली में एक केंद्रीय सत्ता थी औरंगजेब की, और इसी औरंगजेब के सत्ता के समय महाराष्ट्र का जो आधुनिक क्षेत्र है उसी क्षेत्र में एक साम्राज्य उद्भव होता है, जिसे हम लोग मराठा साम्राज्य के नाम से जानते हैं। और उसके एक प्रतिद्वंद्वी साम्राज्य के रूप में इसी समय दक्षिण भारत में बीजापुर साम्राज्य था। तो वास्तव में आपको यहाँ पर बीजापुर के संबंध में, मराठा के संबंध में और अंग्रेजों के मुगलों के संबंध में पढ़ने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों इस अध्याय को, जिसका नाम है मराठा साम्राज्य या शिवाजी। शिवाजी और शिवाजी के दो पॉइंट्स आपको याद रखना है। 1627 से लेकर के 1680 उनका कार्यकाल था, 1627 में उनका जन्म होता है और 1680 में उनकी मृत्यु होती है। ये दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं एज ए डेट वाइज, तो ये दो डेट आपको दिमाग में रखने हैं और उम्मीद करते हैं कि पढ़ते पढ़ते ये सारे डेट जो है वो आपको याद हो जाएंगे। चलिए अब शुरू करते हैं शिवाजी के जुड़े हुए कुछ बेसिक्स पॉइंट के उसे, कि उनका जन्म कब हुआ था, तो 1627 में हुआ था और शिवनेर एक जगह है महाराष्ट्र में, तो वहाँ शिवनेर में हुआ था। और एक शिवनेरी देवी के नाम पर ही उनका नाम शिवाजी रखा गया था, तो ये कभी कभी पॉइंट्स बनते हैं, ऑब्जेक्टिव बहुत कम चांस है। अब आ जाए पिता के नाम की ओर, तो उनके पिताजी का नाम था शाहजी भोसले, तो शाहजी आप याद रखेंगे भोसले वंश से वो थे, तो ये भी याद रख सकते हैं कि उनके पिताजी शाहजी भोसले। माता जीजाबाई, ये कई बार प्रश्न भी आता है जीजाबाई पर, उनका जीजाबाई का जो उनकी माता थी उनका प्रभाव शिवाजी पर काफ़ी ज़्यादा था, तो ये एक पॉइंट रहेगा। फिर आते हैं यहाँ से प्रश्न बनता है शिवाजी के संरक्षक, या फिर यहाँ से आता है शिवाजी के गुरु। शिवाजी के दो गुरु हैं, एक जो उनके राजनीतिक गुरु है, एक जो उनके आध्यात्मिक गुरु हैं, दोनों से क्वेश्चन आते हैं। तो राजनीतिक गुरु या संरक्षक के रूप में दादा कोंडदेव, ये आप याद रखेंगे, राजनीतिक गुरु या संरक्षक के रूप में दादा जी कोंडदेव को जाना जाता है, जबकि आध्यात्मिक गुरु जिन्होंने उन्होंने धर्म संबंधी ज्ञान लिए वो थे रामदास, और उनकी पहली पत्नी का नाम था साईबाई, जिनसे उनका विवाह हुआ था 1640 ईस्वी में। तो ये एक बेसिक उनका फैमिली स्ट्रक्चर या बेसिक जानकारी है जो आपको पता होनी चाहिए शिवाजी के बारे में। अब एक चीज़ जो आप जानते होंगे कि औरंगजेब की जो नीति थी, जो दिल्ली में बैठ करके औरंगजेब की नीति चलाई जा रही थी, वो हिंदू विरोधी नीति थी। ऐसे में हिंदू विरोधी नीति के कारण ही दक्षिण भारत में एक साम्राज्य उद्भव होता है शिवाजी द्वारा। शिवाजी अपने आप को एक हिंदुत्ववादी नेता के रूप में सामने लेकर के आते हैं और स्वतंत्र हिंदू राष्ट्र की स्थापना को लेकर के संकल्पित होकर के प्रयास शुरू करते हैं। तो उन्हीं प्रयासों को हम लोग देखेंगे। इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था, 1627 में शिवनेर में हुआ था। पिताजी शाहजी भोसले, माता जीजाबाई, संरक्षक अगर पूछा जाता है या राजनीतिक गुरु पूछा जाता है तो दादाजी कोंडदेव, यदि आपसे पूछा जाता है कि उनके आध्यात्मिक या धार्मिक गुरु कौन थे तो आप रामदास
और उनकी पहली पत्नी साईबाई। एक्चुअली उनकी 7 पत्नियां थी, तो उसमें से पहली पत्नी से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो साईबाई उनकी पहली पत्नी थी जिनसे उनका विवाह 1640 ईस्वी में हुआ था। अब आते हैं शिवाजी के राजनीतिक इतिहास की ओर कि शिवाजी का राजनीतिक क्रम कैसे बढ़ा। उनके पिताजी एक सैन्य सिपाही थे, वहाँ से इनको भी एक प्रशासन मिला और धीरे धीरे करके इन्होंने एक हिंदुत्व सत्ता स्थापित करने का प्रयास किया। इसी क्रम में प्रारंभिक सैन्य अभियान उन्होंने बीजापुर के आदिल शाह के खिलाफ किया। और बीजापुर, मैंने अभी आपको बताया कि ये क्षेत्र अगर मराठा था तो इसी क्षेत्र के सामने बीजापुर का साम्राज्य था, और बीजापुर के खिलाफ उन्होंने अभियान किया। और 1643, आपको कुछ डेट्स को क्रम में मैं बाद में याद करवाऊंगा, पहले इसको पढ़ते चलिए, याद हो जाएगा। 1643 में उन्होंने सिंहगढ़ के खिलाफ पहला जो है अपना अभियान किया, और पहला किला उन्होंने सिंहगढ़ को जीता था। तो यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि शिवाजी का प्रथम अभियान किसके विरुद्ध हुआ था और कब हुआ था। तो बीजापुर के खिलाफ हुआ था और सिंहगढ़ हुआ था, जो 1643 में उन्होंने सिंहगढ़ के किले को जीता था। बाद में बढ़ते क्रम में 1654 में यहाँ से 11 साल बाद उन्होंने पुरंदर का किला जीता। हालांकि बाद में आपको एक पुरंदर की संधि पढ़ने को मिलेगी, इसीलिए ये पढ़ लें। पुरंदर का किला उन्होंने जीता और यहाँ से उनके जीत का सिलसिला काफ़ी आगे चला। कई किले जीते उन्होंने, कई बार मुगलों को परेशान भी किया, और यहाँ तक परेशान किया कि औरंगजेब की अंतिम 25 वर्ष जो है वो दक्षिण भारत में ही बीते थे। तो यहाँ पर आपको दो प्रारंभिक युद्ध याद रखने हैं, एक 1643 में सिंहगढ़ के खिलाफ और दूसरा 1654 में पुरंदर के खिलाफ, और इन दोनों ही किलों पर विजय जीत दर्ज की थी शिवाजी ने। अब शिवाजी से जुड़ा हुआ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ मिलेगा, अफजल खान। ये कहीं अफजल खान लिखा रहेगा, कहीं अफजल खान लिखा रहेगा। अफजल खान बीजापुर का एक सूबेदार था। उस सूबेदार को भेजा गया शिवाजी के मारने के लिए, या कह सकते हैं शिवाजी से मिलने के लिए। अफजल खां एक ध्रुत व्यक्ति था, वह गुप्त रूप से या ध्रुतता के साथ जो है वो शिवाजी की हत्या करना चाहता था। शिवाजी उसके मंसूबों से वाकिफ था। जब 1659 में, ये ईस्वी कभी कभी पूछा जाता है कि आदिल शाह ये अफजल खां की हत्या जो है शिवाजी ने कब की थी, तो 1659 में अफजल खां अपने गुप्त रूप से संधि के नाम पर हत्या के प्रयासों के साथ शिवाजी से मिलने आया। शिवाजी से उनकी मुलाकात हुई और उसने अपने खंजर से शिवाजी को मारने का प्रयास किया। शिवाजी को पहले से पता थी कि उसकी मनोकामनाएँ क्या है। उन्होंने अंदर से जो है स्टील का पूरा प्लेट जैसा बटन पे पहन के आए थे, जिसके कारण वो खंजर उनको लगा नहीं और वो अपनी सेना जो है जंगलों में छुपा रखे थे। फिर जो है अफजल खां की उन्होंने हत्या कर दी थी। तो ये एक प्रश्न बनता है। तो अफजल खां के साथ उनका एक, ये बीजापुर के जो वो सूबेदार थे उनके साथ संघर्ष होता है 1659 में, और इसमें जो है वो हत्या कर देते हैं अफजल खान की। इसके बाद औरंगजेब को ये अनुभव होने लगता है कि शिवाजी दक्षिण भारत में बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। ऐसे में औरंगजेब जो दिल्ली में बैठा था, वो अपने मामा शाइस्ता खां, ये याद रखेंगे, शाइस्ता खां जो औरंगजेब का मामा था, उसे भेजते हैं दिल्ली में, दिल्ली से, कि दक्षिण भारत में जाकर के मराठों को शक्ति को कंट्रोल करे, जो शिवाजी बढ़ रहे हैं उनको रोके। लेकिन उनके साथ भी संघर्ष होता है 1663 में, और शिवाजी ने बुद्धिजीविता का परिचय देते हुए शाइस्ता खां को भी पराजित किया और कई जगह जख्मी भी कर दिया। तो यहाँ से दो प्रश्न देखिए, कभी भी क्रम से पढ़ेंगे, ये दो प्रारंभिक लड़ाइयाँ उनकी पढ़ सकते हैं कि 1643 में उन्होंने सिंहगढ़ का किला जीता, 1654 में उन्होंने पुरंदर का किला जीता। उसके बाद दो लड़ाइयाँ या दो संघर्ष अफजल खां के साथ 1659 में, और 1663 में शाइस्ता खां के साथ उन्होंने संघर्ष किया। तो ये दो संघर्ष इम्पोर्टेंट है, एक अफजल खां जो बीजापुर का सूबेदार था, और शाइस्ता खां जो मुगल शासक औरंगजेब का मामा था। अब आते हैं कि इसके बाद शिवाजी की शक्तियां और बढ़ने लगी, और शाइस्ता खां को हराने के जस्ट अगले वर्ष उन्होंने सूरत पर अभियान किया। सूरत जो उस समय एक धनाढ्य क्षेत्र था, उद्योग क्षेत्र था और मुगलों के नियंत्रण में क्षेत्र था, उन्होंने खूब लूटा और लगभग 1 करोड़ की संपत्ति यहां से उन्होंने प्राप्त की। लूट करके वापस आए, ये बातें मुगलों को पची नहीं कि इतनी बड़ी लूट हो गई थी। तो इसके बाद की एक घटना है जिसे हम लोग जानते हैं पुरंदर की संधि से। वास्तव में क्या हुआ कि कछवाहा राजा जयसिंह, नाम याद रखेंगे दोस्तों, ये बहुत पूछता है,
कछवाहा राजा जयसिंह औरंगजेब के निर्देशों से वो शिवाजी के साथ युद्ध करने आए। युद्ध करने के क्रम में शिवाजी के साथ एक संधि हुई, जिस संधि को नाम से जाना जाता है पुरंदर की संधि। यह संधि 22 जून 1665 को हुई। एकदम क्रम से याद रखेंगे, शाइस्ता खां से साथ संघर्ष होता है 63 में, 64 में वो सूरत को जीतते हैं, 65 में संधि होती है जिसका नाम है पुरंदर की संधि। इस संधि में क्या होता है कि कछवाहा राजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य एक संधि हुई। इस संधि के तहत शिवाजी को अपने जीते हुए कुल 35 किलों में से 23 किले जो हैं वो मुगलों को देने पड़े। इसके अलावा अपने पुत्र संभाजी को मुगलों के दरबार में मनसबदारी पर भेजना पड़ा। और इसी संधि के तहत वो 1666 में जस्ट अगले साल पहुँचे दरबार में औरंगजेब के। औरंगजेब ने उनके साथ अनैतिक व्यवहार, या फिर कह सकते हैं ऐसा व्यवहार किया जैसे वो राजा ही नहीं है, उन्हें उन लाइन में खड़े कर दिए गए जहाँ उनकी प्रतिष्ठा धूमिल होती हुई नजर आई। शिवाजी ने इसका विरोध किया, नतीजा ये हुआ कि औरंगजेब ने उन्हें पकड़ कर जयपुर महल में कैद कर दिया। तो ये घटना भी आती है कि औरंगजेब द्वारा उन्हें बंदी बनाया गया था जब ये दरबार में पहुंचे थे 1666 में। अब इसी दरबार में कैद करने के बाद उन्होंने अपने आप को फिर से आजाद करा लिया अगस्त 1666 में। कहा जाता है कि अपने जन्मदिन पर मिठाइयां बांटने वाली टोकरी में बैठ करके वो वहां से भाग निकले थे। तो शिवाजी को औरंगजेब ने कैद भी किया 1666 में, और शिवाजी अपने जन्मदिन पर मिठाइयां बांटने के क्रम में अपने हम सकल को जो है वहां कैद खाने में बिठा दिया और खुद जो है टोकरी में बैठकर मिठाई बांटने के बहाने बाहर निकल गए। और इस तरह से वो किले से भाग करके पुनः पहुंच जाते हैं उसी मराठा क्षेत्र में जहां उनका साम्राज्य परचम पर जा रहा था। इस बार आते हैं और फिर उन्होंने यहां से लूट मार शुरू की और फिर से उसी सूरत को लौटा जिस सूरत पर मुगलों का नियंत्रण था। ये लूट होती है इस बार 1670 में। तो दो प्रश्न यहाँ से बनते हैं कि सूरत पे उनके दो अभियान हुए। पहला अभियान 1664 में हुआ था और दूसरा अभियान 1670 में हुआ था। दोनों ही अभियानों में शिवाजी ने सूरत में बड़ी लूटमार की और वहाँ से बड़ी संख्या में धन जो है प्राप्त किए। अब शिवाजी की शक्ति बढ़ती जा रही थी। इतने समय से वो किलों पर विजय प्राप्त कर चुके थे और सत्ता के मालिक थे, मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना राज्य अभिषेक नहीं करवाया था। उन्होंने अपना राज्य अभिषेक 1674 में कराया। ये प्रश्न भी आता है, 1674 में पहली बार उन्होंने अपना राज्य अभिषेक कराया। और राज्य अभिषेक कराने के लिए वो गंगा भट्ट, जो बनारस के एक प्रकांड पंडित थे, उन्हें बुलाया था और उन्हीं के नेतृत्व तो में उन्होंने यह राज्य अभिषेक कराया था। तो यहां से दो प्रश्न बनेंगे जिसे आपको ध्यान से देखना है। यहां पर आपका एक आएगा कि शिवाजी ने विभिन्न माध्यमों से किले जीते, विभिन्न युद्धों में जीत प्राप्त की, सूरत में दो बार आक्रमण किए और उसे लूटा, औरंगजेब के दरबार में गए, बंदी बनाए गए, बंदी होकर के वापस आए, और वापस आने के बाद उन्होंने 1674 में आकर के अपना जो है राज्य अभिषेक कराया। और राज्य अभिषेक कराने के क्रम में उन्होंने जिस विशेष पंडित को इनवाइट किया था, जो विशेष रूप से बनारस क्षेत्र के सबसे प्रकांड पंडित माने जाते थे, गंगा भट्ट, उनके नेतृत्व में उन्होंने अपना राज्य अभिषेक कराया। और कहा जाता है कि एक विशाल भंडारा का आयोजन उन्होंने किया था। इस अभिषेक के दौरान उन्होंने एक और शादी की थी जिसमें पत्नी का नाम था सोयरा बाई। तो यहाँ आपको साई बाई उनकी पत्नी, पहली पत्नी, दूसरी शादी उन्होंने इस राज्य अभिषेक के क्रम में कराई, सोई बाई पत्नी का नाम था। और फिर एक अंतिम अभियान उनका आता है, कर्नाटक अभियान। ये प्रश्न आता है, उन्होंने पहला अभियान तो सिंहगढ़ किला और अंतिम अभियान तो कर्नाटक में किया था, जहाँ किले का नाम था जिंजी का किला जो उनका अंतिम अभियान था, जो कर्नाटक में था, और इस अभियान में भी उनको जीत मिलती है। लेकिन इसी क्रम में एक घटना होती है जिससे शिवाजी बीमार पड़ते हैं। वो घटना थी कि उनके पुत्र संभाजी विद्रोही होकर के भाग जाते हैं, जिन्हें वो बहुत प्यार करते थे, वो बीमार पड़ जाते हैं और 3 अप्रैल 1680 को उनका निधन हो जाता है। तो यहाँ से आपको दो तीन पॉइंट, अंतिम अभियान जिंजी का किला जो कर्नाटक क्षेत्र में था, ये उनका अंतिम अभियान और अंतिम विजय था, इसके बाद वो बीमार पड़ते हैं और 3 अप्रैल 1680 को उनकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ से पूरे अगर शिवाजी से संबंधित डेट को देखें तो 4-5 डेट 100% आपको याद होने चाहिए। सबसे पहले 1627
उनका जन्म हुआ था। 1640 भी याद कर सकते हैं, उनकी पहली पत्नी सोईबाई के साथ उनका विवाह हुआ था। 1643 पहला उन्होंने सिंहगढ़ में किला जीता था। आप पुरंदर को छोड़ भी सकते हैं। अब आ जाइए शाइस्ता खां, 1659 में शाइस्ता खां के साथ, माफ़ कीजिएगा, अफजल खां के साथ उनका युद्ध हुआ था और 1663 में शाइस्ता खां के साथ उनका युद्ध हुआ था। फिर उसके बाद सूरत को पहली बार 1664 में लूटा, 1665 में उन्होंने पुरंदर की संधि की, फिर संधि के तहत वो 1666 में बंदी भी बनाए गए। 1666 में वो बंदी से भाग निकलते हैं। 1670 में आकर के उन्होंने पुनः सूरत पर आक्रमण किया। 1674 में आकर के उन्होंने अपना राज्य अभिषेक कराया और 1680 में उनकी मृत्यु हो गई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट है शिवाजी को, जिसको आप एज ए क्रम में एक साइड में लिख लें और उसे याद जरूर करें, तो वो एक क्रम में याद कीजिएगा तो याद हो जाएगा। अब आते हैं उनकी मृत्यु के बाद भी शिवाजी से जुड़े हुए कुछ प्रश्न जो पूछे जाते हैं। उसमें है सबसे महत्वपूर्ण शिवाजी का प्रशासन। शिवाजी ने हिंदू मान्यताओं के आधार पर एक ऐसे प्रशासन तंत्र का इंतजाम किया जो उससे पहले काफ़ी पहले समाप्त हो चुका था। जो प्राचीन काल में हिंदू परंपराओं पर आधारित जो समाज होता था या सब प्रशासन था, जो मध्यकाल में नहीं देखने को मिल रहा था, तो मध्यकाल में पहली बार ही समझिए कि मराठाओं द्वारा, स्पेशली शिवाजी द्वारा, हिंदू सिद्धांतों पर आधारित एक प्रशासन व्यवस्था की नींव रखी गई। इस प्रशासन की व्यवस्था की सबसे पहली विशेषता थी अष्ट प्रधान मंत्री परिषद। और कई बार पूछा भी जाता है कि मराठा साम्राज्य में 8 सदस्यीय मंत्री परिषद को किस नाम से जाना जाता है, तो अष्ट प्रधान ये क्या थे, तो ये 8 मंत्रियों का समूह था जिसे अष्ट प्रधान कहते थे और शिवाजी इन मंत्रियों के सहायता से प्रशासन को चलाते थे। लेकिन यहाँ ये कहना कि क्या लोकतंत्र जैसा सिस्टम था वो मानने के लिए उनके सलाह को बाधे थे, तो बिल्कुल नहीं। यहाँ शिवाजी सबसे हेड थी और वो केवल एक सलाह मात्र के थे, अंतिम निर्णय शिवाजी का ही होता था, अर्थात अष्ट प्रधान पे शिवाजी का पूरा नियंत्रण था। और जैसे जैसे आप देखेंगे कि बाद में शिवाजी के जाने के बाद उनके वंशज आते हैं और धीरे धीरे साहू के टाइम तक जा करके इस अष्ट प्रधान में जो पेशवा पद होता था वो कैसे शक्तिशाली बन जाता है, लेकिन शिवाजी के समय ऐसा कुछ नहीं था। तो इसमें अष्ट प्रधान में ये 8 कौन कौन से मंत्री हुआ करते थे और इन्हें किस प्रकार के काम सौंपे गए थे, इनसे भी कई बार प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। तो वहाँ आपको याद रखना है पेशवा पद, जो बाद में चल करके एक सबसे शक्तिशाली पद बन जाता है, लेकिन इस समय सभी मंत्रियों में सबसे प्रमुख मंत्री का पद पेशवा का था और कई बार किसी दस्तावेज पर पेशवा की मुहर की आवश्यकता होती थी, तो एक प्रमुख पद जरूर था। ऐसे अगर हम देखें इस्लामिक परंपराओं के अनुसार जो वहाँ पे मुगलों में चलता था, तो जिस प्रकार से वज़ीर होते थे उसी प्रकार से आप समझ सकते हैं कि हिंदू प्रशासन जो शिवाजी द्वारा स्थापित किया गया था उसमें पेशवा थे। दूसरा आमात्य थे, आमात्य अर्थ मंत्री होता था, इनका काम स्पेशली पैसों के लेन देन और राजस्व के वगैरह से जुड़ा हुआ था, तो अर्थ मंत्री के रूप में इन्हें जाना जाता था। तीसरा था सुमंत, ये सुमंत से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं कि सुमंत साम्राज्य में जो है आठवें अष्ट प्रधान में सुमंत किस नाम से जाने जाते थे, किस काम के लिए जाने जाते थे, तो ये विदेश मंत्री की तरह इनका कार्य होता था, किस पड़ोसी राज्य के साथ कैसा संबंध रखना है, किस तरह का पत्राचार करना है, इस तरह के संबंध में सुमंत का पद था। एक चिटनीस था, नाम से ही पता चल जाएगा, चिटनीस पत्राचार विभाग था, ये चिट्ठियों का लेन देन होता था, राजा के चिट्ठियाँ दूसरे जगह भेजना और दूसरे जगह की चिट्ठियों को रिसीव करके राजा के पास पहुँचाना, तो ये चिटनीस। सेनापति तो आप भलीभांति वाकिफ होंगे कि सैन्य तंत्र से जुड़े हुए कार्यों को देखभाल करने के लिए एक अधिकारी होता था, वह होता था सेनापति। न्यायाधीश न्याय करने का काम करते थे, लेकिन न्यायाधीशों में भी यदि देखा जाए तो सबसे प्रमुख न्यायाधीश खुद शिवाजी होते थे। इनके नेतृत्व में नीचे के स्तर के न्यायालय होते थे जहां पर न्यायाधीश कार्य करते थे, लेकिन अगर कोई बड़ा मुद्दा होता था या शिवाजी द्वारा किसी को न्याय किया जाता था तो सबसे बड़ा न्यायालय शिवाजी का ही था। ऐसे उनके नीचे एक न्यायाधीश पद था जहाँ से न्याय का काम भी किया जाता था।
पंडित राव, ये पद भी एक सलाहकार के रूप में था और धार्मिक कार्य के लिए था, जैसे यज्ञ कराना, दान करना, ये ऐसे कार्य जो होते थे वो पंडित राव की सलाह से पेशवा करते थे, सॉरी शिवाजी करते थे। इसके अलावा मुख्य सलाहकार भी थे ये शिवाजी के, तो पंडित राव। और एक लास्ट पद देख सकते हैं, वकायन विष। वकायन विष क्या था? तो यह एक गुप्तचर विभाग था जो किसी क्षेत्र से सूचनाओं को लेना, सूचनाओं को देना, इस तरह के काम किए जाते थे। तो आप ये आठों मंत्रियों में फिर से एक बार रिकॉल करें किनका क्या काम था। पेशवा सबसे प्रमुख मंत्री पद था, आमात्य अर्थ मंत्री के रूप में काम करते थे, सुमंत विदेश मंत्री के रूप में काम करते थे, चिटनीस पत्राचार व्यवहार का काम करते थे, सेनापति सेना से संबंधित कार्य, न्यायाधीश न्याय से संबंधित कार्य, पंडित राव मुख्य सलाहकार, इसमें पंडित लगा हुआ है यानी दान धर्म पूजा पाठ इस तरह से जुड़े हुए कार्य, तो पंडित राव पंडित वाले जो कार्य होते थे वो। और वकायन विष, वकायन विष एक वर्ड थोड़ा सा अलग है, यह गुप्तचर और सूचना विभाग से जुड़ा हुआ कार्य था। अब यहाँ पर दो पॉइंट और देख सकते हैं जो मैंने स्पेशली लिखा है, क्योंकि ये प्रश्न पूछे जाते हैं, अगर आप क्वेश्चन बैंक उठा करके देखेंगे तो ये प्रश्न निश्चित रूप से आपको मिल जाएंगे। शिवाजी प्रशासन के दौरान दो प्रकार के टैक्स बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे, एक चौथ और दूसरा सरदेशमुखी। ऐसे शिवाजी के समय में कहा जाता है कि नॉर्मली 33-40% तक टैक्स लिया जाता था, लेकिन दो प्रकार के जो कर थे वो ज़्यादा चर्चा में थे, एक चौथ था और दूसरा था सरदेशमुखी। चौथ और सरदेशमुखी में पहले अंतर क्या था और ये उनकी मात्रा है। चौथ का मतलब होता है एक चौथाई हिस्सा अनाज उत्पादन का, भू राजस्व का एक चौथाई हिस्सा शिवाजी अर्थात जो मराठा प्रशासन था उसको लिया जाता था, और सरदेशमुखी में पूरे राजस्व का 1/10 हिस्सा लिया जाता था। तो चौथ किन क्षेत्रों से और सरदेशमुखी किन क्षेत्रों से? तो जो क्षेत्र शिवाजी के अधीन क्षेत्र थे, जिन पर शिवाजी का प्रत्यक्ष नियंत्रण था, वहाँ से वो 1/10 लेते थे। किस लिए? क्योंकि मैं आपकी सेवा देता हूँ, आपको नियंत्रण में रख के आपकी देखभाल करता हूं, इस बात के लिए वो 1/10 राजस्व लेते थे। और जो क्षेत्र शिवाजी के प्रशासन क्षेत्र के समीप अन्य क्षेत्र थे जिस पर शिवाजी का नियंत्रण नहीं था, उन क्षेत्रों में इस बात के लिए 1/4 टैक्स लिया जाता था कि अगर आप 1/4 देते रहेंगे तो हम आपके यहां आक्रमण नहीं करेंगे। तो केवल इस बात के लिए कि हम आपको वो खतरे से बचाएंगे, हम आप पर आक्रमण नहीं करेंगे, इसलिए आपको चौथ देना पड़ेगा। यदि वे चौथ नहीं देते थे तो शिवाजी उन क्षेत्रों पर आक्रमण करते थे, और इसी क्रम में जैसे देखेंगे कि ढेर सारे किले उन्होंने जीते थे, तो उन क्षेत्रों को वो जीत करके फिर अपने हिस्से में मिला लेते थे। तो ये दो प्रकार के कर बहुत ज्यादा फेमस थे। बात अगर करें शिवाजी के धार्मिक नीतियों की, तो उनकी धार्मिक नीति काफ़ी सहिष्णु थी, और वो मुस्लिम धर्म का बहुत सम्मान करते थे। ऐसा नहीं था कि वो औरंगजेब से दुखी थे, औरंगजेब की नीतियों से दुखी थी, उनका एक सहिष्णु धार्मिक नीति था। उनके एक सेना में भी कई मुसलमान कार्य करते थे। अगर बात करें उनके संबंध में उस काल के कुछ इतिहासकारों का जो मराठा साम्राज्य के इतिहास लिखते हैं, तो उनमें एक आप पढ़ेंगे स्मिथ के बारे में। स्मिथ ने मराठा प्रशासन, खास करके शिवाजी प्रशासन को डाकू राज्य की संज्ञा दी है। वास्तव में शिवाजी का जो लड़ाई पद्धति था वो एक गुरिल्ला युद्ध पद्धति था। गुरिल्ला युद्ध पद्धति आप लोग जानते होंगे। गुरिल्ला युद्ध पद्धति क्या होता है कि पहाड़ी क्षेत्रों में छुपे हुए सैनिक पहाड़ों से निकलते थे और युद्ध करते थे और फिर पहाड़ी क्षेत्रों में भाग जाते थे। तो छुप छुप करके ये जो वार होता था, इसी को गुरिल्ला युद्ध पद्धति के नाम से जाना जाता है, और ये शिवाजी की एक विशेष रणनीति का हिस्सा रहता था। तो मराठा प्रशासन अपने गुरिल्ला युद्ध के लिए जाना जाता था। यही कारण है कि स्मिथ ने अपने विवरण में ये कहा है कि मराठा साम्राज्य या जो शिवाजी सब प्रशासन था वो डाकू राज्य के आधार पर स्थापित हुआ था। जबकि मराठा इतिहासकार जादूनाथ सरकार काफ़ी फेमस है, उनके ये प्रश्न भी पूछ देते हैं यहाँ से कि किन्होंने ये कहा है। तो जादूनाथ सरकार ने अपने शब्दों में लिखा है कि जो शिवाजी थे वो हिंदू शासक थे और हिंदू राष्ट्र निर्माता थे, उन्हें प्रथम राष्ट्रीय निर्माता भी माना जाता है। तो इस तरह से अलग अलग विचारधाराओं के इतिहासकारों ने भी इसका अलग अलग रूप में व्याख्या किया है। इसमें से एक प्रश्न और आप याद रख सकते हैं जो कि शिवाजी के मृत्यु से संबंधित है, कि उनकी पत्नी थी पुतली बाई।
उनकी पत्नी का नाम था पुतली बाई। चूँकि उनकी 7 पत्नियाँ थी, उस 7 पत्नियों में से एक पत्नी थी पुतली बाई, जो शिवाजी के मरने के बाद जा करके उनके साथ सती हो गई थी। यहाँ से 2 पॉइंट याद रखें दोस्तों, एक होता है सती प्रथा और एक होता है जजिया प्रथा। दोनों में बेसिक डिफरेंस होते हैं। सती प्रथा ये होता है कि जब पति की मृत्यु होती थी तो पत्नी पति के साथ चिता पर जो है लेट जाती थी, या तो स्वेच्छा से या जबरदस्ती, और पति के साथ ही उसको जला दिया जाता था। तो यह प्रथा सती प्रथा कहलाती थी। और एक था जो जौहर प्रथा, माफ कीजिएगा, जौहर प्रथा, सती प्रथा और जौहर प्रथा। तो जौहर प्रथा में क्या होता था, जौहर प्रथा में होता था कि यदि पति युद्ध करने गया है, खास करके हिंदू परंपराओं में, कि यदि पति जो है बाहर युद्ध करने गया और पति की मृत्यु हो जा रही है, तो यह भय हमेशा बना रहता था कि आक्रमणकारी आएंगे, महिलाओं को वहां से लेकर के जाकर के उनके साथ अनैतिक व्यवहार करेंगे। ऐसे में महिलाएं जो है अपने आप को अग्नि कुंड में झोंक देती थी। तो ये प्रथा कहलाती थी जौहर प्रथा। और जब पति के साथ वो खुद चिता पर ले करके अपना जो है अंतिम सांसें ले लेती थी, तो वो कहलाता था सती प्रथा। तो सती में और जौहर में एक बेसिक डिफरेंस भी है। तो चलिए दोस्तों, ये जो चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा शिवाजी, उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। पहले हमने देखा उनके बेसिक कुछ स्ट्रक्चर के बारे में, फिर हमने देखा कुछ प्रारंभिक युद्ध के बारे में, फिर हमने देखा कि किस तरह से उनका एक मुगलों से संघर्ष चलता है, सूरत के साथ, सूरत से लेकर के पुरंदर की संधि से लेकर के औरंगजेब के कैद में जाने से लेकर के भाग के बाहर आने तक का। और फिर फाइनली हम देखते हैं कि शिवाजी ने अपना राज्य अभिषेक कराया 1674 में और उनकी मृत्यु 1680 में हो जाती है। और फिर हम देखते हैं शिवाजी का प्रशासन, जो एक अद्भुत प्रशासन था, जिसकी सबसे बड़ी विशेषता थी उसका अष्ट प्रधान यानी 8 मंत्रियों का एक विशेष समूह। सैन्य शक्ति के मामले में भी शिवाजी की शक्तियां काफी अच्छी थी, और गुरिल्ला युद्धपति तो मराठाओं की एक बहुत बड़ी पहचान थी। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर हमको लगता है कि समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में मराठा पार्ट 2 में हम लोग लेके पढ़ेंगे कि शिवाजी के वंशजों का क्या होता है, और किस समय से जा करके फिर ये पेशवा पद जो है वही मराठा का पहचान चिन्ह बन जाता है, और आगे चल करके यही पेशवा पद जिसमें आप बाजीराव और बाजीराव मस्तानी मूवी भी देखेंगे, तो वहाँ तक हम लोग चलेंगे। और पार्ट 2 में अच्छे से मराठा के अगले पार्ट को कवर करेंगे, फिर एक ऑब्जेक्टिव वीडियो के थ्रू हम लोग पूरे मराठा के ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व करेंगे। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि पसंद आया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद एडुटेरिया फैमिली से जुड़ने के लिए और इतना वेट करने के लिए कि सर आएंगे तो फिर से वीडियोस पढ़े जाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू।